सब चीज़ों को ध्यान देते हुए जो मैंने तुम लोगों को पहले बताया, हम लोगों ने एक कोर्स डिजाइन किया 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, जहाँ पे तुम लोग को हम लोग असेंबली का थोड़ा टच पढ़ा रहे होंगे लोग, सी थोड़ा पढ़ा रहे होंगे लोग, थोड़ा कम्युनिकेशन पढ़ा रहे होंगे लोग, थोड़ा इंटरफेसिंग पढ़ा रहे होंगे लोग, ऐसे करके सारे चीज़ें हम लोग तुम लोग को 8051 के थ्रू पढ़ा रहे होंगे कि जब अगर तुम लोगों को नेक्स्ट चीज़ कोई दिया जाए, जैसे 8085 है या कोई भी चीज़ है, तो तुम लोग को वहाँ पे सिर्फ कंट्रोलर एंड ऑल का फंक्शन पढ़ना हो, कोडिंग तुम लोग को पहले से आती हो, और इंटरफेसिंग पिन को कैसे करना है वो थोड़ा बहुत देखना हो कि उसमें कैसे करने हो, वो माइक्रो कंट्रोलर का पर्टिकुलर जो SFR होता है वो कैसे होता है और कैसे काम करता है, बाकी सब तुम लोग चीज़ यहाँ से सीख लो लोग। तो अगर हम लोग कोर्स की बात करें, कोर्स सिलेबस की, तो हम लोगों ने इसको बेसिकली 15 के 13 चैप्टर में बांटा हुआ है, 15 to 13 चैप्टर में। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कौन सा टाइप सिलेबस हम लोगों ने डिज़ाइन किया। बेसिकली ये 15 चैप्टर का एक सिलेबस है, जहाँ पे तुम लोग को पहले पढ़ रहे होगे लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, उसके बाद पढ़ रहे होंगे लोग द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे क्या है, तुम लोग पढ़ रहे होगे लोग नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बाद तुम लोग पढ़ रहे होगे लोग टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, उसके बाद तुम लोग पढ़ रहे होगे लोग कन्वर्जन, जो अपना बाइनरी डेसिमल ऑक्टल हेक्सा है ना, उसका कन्वर्जन पढ़ रहे होगे लोग, जो 4 × 3 करें तो 12 आता है, तो टोटल 12 टाइप का तुम लोग कन्वर्जन पढ़ रहे होगे लोग, और वहाँ पे उसके बाद 8051 माइक्रो कंट्रोलर आ जाएगा। तो ये तुम लोग को ये क्यों चैप्टर इंक्लूड किया, उसका मैं बेसिक कारण बता दूँ तुम लोग को, कि जब हम लोग 8051 पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास वहाँ पे हेक्स नंबर आता है, जो हम लोग डेटा लोड करते हैं माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग के टाइम पे, वो हेक्स नंबर होता है, ठीक है, लेकिन हमको समझता है डेसिमल नंबर। बहुत टाइम पे क्या होता है कि हम लोग बाइनरी यूज कर रहे होते हैं बिट बिट के लिए, माइक्रो कंट्रोलर के जो पर्टिकुलर पिन्स है उसको डिनोट करने के लिए, या तो हम लोग को ऐसा है होता है, अगर हम लोग को टाइमर भी बनाना हो, टाइमर जनरेट करना हो, तो हम लोग लोड जो टी मोड या टी कॉन रजिस्टर में कर रहे होते हैं लोग वहाँ पे, या जो हम लोग ये TH या TL को लोड कर रहे होते हैं लोग, ये तो हमारा होता है हेक्स वैल्यू। अगर तुम लोग कभी समझ में ना आए ये सब क्या होता है, मैं तुम लोग को बाद में बता दूंगा कि क्या होता है हेक्स वैल्यू। ये इतना समझो कि ये TH है और TL है, एक SFR का एक बिट बिट का नाम है, टी मोड और टी कॉन रजिस्टर के बिट का नाम है ये, सॉरी टी कॉन रजिस्टर के बिट का नाम है ये, और ये बिट क्या करता है कि टाइमर को लोड करता है, तो हम लोग यहाँ पे हेक्स वैल्यू लोड कर रहे होते हैं लोग हेक्स वैल्यू। लेकिन ये जो हेक्स वैल्यू हम लोग लोड कर रहे हैं लोग, तो हमें ये देखना पड़ता है ध्यान के कि ये हेक्स वैल्यू है, हम लोग को डिजिटल में पता है कि इतना 10 सेकंड का चाहिए डिले, या 10 सेकंड का इंटरप्ट जनरेट करना है, 15 सेकंड का इंटरप्ट जनरेट करना है, लेकिन हम लोग को हेक्स में वैल्यू अपलोड करना रहता है, तो कन्वर्जन तो हम लोग को आना चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर में है, जो तुम लोग को कन्वर्जन पढ़ रहे होंगे लोग। जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का, वहाँ पे हम लोग 8051 को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, पिंस विंस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या डिटेल है और क्या क्या है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग 8051 क्या है, 8051 जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज हम लोग को पढ़ना क्यों ज़रूरी है पता है क्या, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे, मैं तुम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि असेंबली लैंग्वेज जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जब एम्बेडेड में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारा हम लोग को जो डॉक्यूमेंटेशन है ना डिवाइस का, जो पहले पुरानी बनी हुई है, जैसे बहुत सारे ऐसे माइक्रो कंट्रोलर तुम लोग 8051 का ही बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंटेशन, तुम लोग का एटमेल का डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे सब कुछ असेंबली में दिया हुआ है, जो 8051 का एटमेल का डॉक्यूमेंट, सॉरी 80 हाँ एटमेल का 8051 का जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे सब कुछ जो है ना तुम लोग को वो दिया हुआ है असेंबली में। तो तुम लोग को अगर जब भी हम लोग कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ऐसी चीज़ होती है जो जिसने बनाया हुआ है, जिस कंपनी ने उस कंट्रोलर को उस डिवाइस को, उसने पूरा अच्छे से लिखा होता है, बाद में जो राइटर आते हैं या जो टीचर होते हैं वो उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके ईजी वे में लिखते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन से तुम्हें एग्जैक्ट नॉलेज मिल रहा होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट नॉलेज के लिए तुम लोग को असेंबली आनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक की एटलीस्ट अगर कुछ असेंबली प्रोग्राम लिखा हो तो वो क्या बोल रहा है प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या कहना चाहते हैं वो सब हम लोग देख समझ पाए, इसके लिए असेंबली हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, मूव फंक्शन ऐड फंक्शन जंप लूप एंड ऑल,
उसके बाद हम आ जाएंगे बेसिक इंस्ट्रक्शन इन आईओ प्रोग्रामिंग, आईओ पोर्ट्स प्रोग्रामिंग। यहाँ पे जो आईओ पोर्ट्स प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे मैं तुम लोग को दो चीज़ बताऊंगा। पहला कि असेंबली में कैसे होता है, असेंबली में उतना डीप नहीं होगा, लेकिन सी में कैसे करते हैं वो एकदम डीप होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एड्रेसिंग मोड्स पढ़ लेंगे कि जो हमारे एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8051 पे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स, इंडेक्सिंग मोड, ये सब जो मोड्स होते हैं वो मोड्स हम लोग क्या करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में पढ़ लेंगे लोग। और उसके बाद से क्या होगा कि हम लोग थोड़ा अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन देख लेंगे किसी प्रोग्राम में कि क्या कैसे काम करते हैं। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन की बात करो तो हम लोग जब टाइमर, काउंटर, इंटरप्ट ये सब जनरेट करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ सिंग होता है। टाइमिंग में हम लोग को लॉजिक लगाना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है कौन सी लॉजिक लगा के, कौन सा पिन, कौन सा SFR, कौन सा टाइमर यूज करना होता है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर आएंगे लोग हम लोग माइक्रो कंट्रोल के 8051 के सी प्रोग्रामिंग पे। सी प्रोग्रामिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सी प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग को पढ़ना है 8051 के रेफरेंस में, मतलब 8051 को ध्यान देते हुए सी प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे लोग। अब मैंने क्या किया है, मैं सोच रहा था कि अगर मैं 8051 के हिसाब से तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, 8051 के हिसाब से तुम लोग को मैं जो सी है वो पढ़ा रहा हूँ, 8051 सी फॉर 8051 अगर तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं सिर्फ उतना ही चीज़ पढ़ा पाऊंगा जितने में 8051 प्रोग्राम कंट्रोल, 8051 माइक्रो कंट्रोलर को कंट्रोल कर सके और काम करा सके अपने। लेकिन जो सी प्रोग्रामिंग है वो तो हम लोग किसी भी माइक्रो कंट्रोलर, किसी भी प्रोसेसर को के लिए यूज कर सकते हैं, तो क्यों ना एक कॉमन कोर्स बना लिया जाए जिसमें हम लोग क्या करें कि ये सी प्रोग्रामिंग को एकदम डीप में अच्छे से पढ़ा सकें एम्बेडेड व्यू से, ठीक है ना। तो इस ये करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे तो सी हम लोग पढ़ा ही रहे होंगे लोग, लेकिन अलग से भी हम लोगों ने एक एम्बेडेड सी का कोर्स बनाया हुआ है जो बहुत जल्दी तुम लोग को ये वीडियो आने की और इस वीडियो के 3-4 लेक्चर आने के बाद वो तुम लोग को मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग सी ही पढ़ाएंगे, यहाँ पे जो सी होगा वो 8051 के लिए होगा, और वो जो कोर्स होगा हम लोग का बेसिकली जो कोर्स हम लोगों ने बनाया हुआ है उसमें हम लोगों को तुम लोगों को इतना अच्छा बनाया है वो कोर्स हम लोगों ने, एटलीस्ट 8 to 10 जो है क्या बोलते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है डिवाइसेस पे, मतलब 8051 पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसका कोड है, कंपाइलर है, कैसे उसका सर्किट डायग्राम है, ये सब हम लोगों ने डाला हुआ है उसमें। अगर ये होगा तो जब वो कोर्स आएगा तो वो तुम लोगों को दिखेगा सिलेबस में, और इसकी जो कोर्स के बारे में है बहुत डिटेल में हम लोगों ने बनाया वो तुम लोग को बताएंगे, यहाँ पे तुम लोग को प्रोजेक्ट भी मिल रहा होगा। तो उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, अगर 8051 में हम लोग यहाँ से लौट आए तो जो 8051 हेक्साडेसिमल हार्डवेयर कनेक्शन होते हैं ना ये हम लोग पढ़ेंगे लोग, क्योंकि जो हार्डवेयर कनेक्शन होते हैं वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं 8051 के लिए या किसी भी डिवाइसेस के लिए कि कैसे उसको कौन सा पिन कैसे कनेक्ट कराते हैं, कैसे क्रिस्टल कनेक्ट कराते हैं, कैसे टाइमर के लिए जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है वो जनरेट कराने के लिए क्या कनेक्ट कराते हैं, ये सब हम लोग पढ़ रहे होंगे लोग ये पार्ट में जो अर्थ मॉड्यूल है उसमें। उसके बाद से हैक्स फाइल कैसे जनरेट बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना कि अभी तो ईजी है कि अपना प्रोटियस लिया और प्रोटेस्ट में क्या किया, सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही होगी मुझे, तो जो प्रोटेस्ट लिया वो प्रोटेस्ट में हम लोगों ने क्या किया कि सी प्रोग्राम लिखा और उसको क्या किया कि हम लोगों ने हेक्स में कन्वर्ट करा लिया। लेकिन ये जब हम लोग कर रहे हैं और उसको क्या किया है? अपना सॉरी 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 जो ये मैं गलत बोल रहा हूँ तुम लोग को, सॉरी सॉरी इसके लिए, जो हेक्स फाइल का क्या सीन है ना कि हेक्स फाइल को हम लोगों ने क्या किया, किल अपना है, किल में लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग लिखने के बाद से क्या करते हैं, इस सी प्रोग्रामिंग को लिखने के बाद से ये सी प्रोग्रामिंग का हेक्स फाइल जनरेट करते हैं, और ये हेक्स फाइल हम लोग प्रोटियस पे अब जो सर्किट डायग्राम होता है उसके 8051 में अपलोड कर देते हैं। ये सब हम लोगों ने सीखा हुआ है कि हेक्स फाइल कैसे बनाते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, अगर तुम लोगों को पता ना हो तो हेक्स फाइल हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे होंगे लोग।
अपना प्रॉपर सर्किट डायग्राम बना रहे होंगे लोग, सर्किट डायग्राम में उसको अपलोड कर रहे होंगे लोग और देख रहे होंगे लोग कि कैसे काम करता है कौन सा डिवाइस, ठीक है। बाकी हम लोग आ जाए लोग कि नेक्स्ट कनेक्शन में जो हमारा होता है टाइमर एंड काउंटर प्रोग्रामिंग, ये जो मेन इम्पोर्टेंट है, कहीं भी जाओगे लो ना तो इंटरव्यू में टाइमर और काउंटर क्यों क्या होता है कैसे प्रोग्राम होता है ये सब चीज़ तुम लोग सीख रहे होगे लोग वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए ना बेसिकली अगर टाइमर काउंटर प्रोग्रामिंग की बात करें हम, तो ये टाइमर कैसे जनरेट करते हैं, टी मोड और टी कॉन रजिस्टर को कैसे वो करते हैं, यूज करते हैं टाइमर को प्रोग्राम करने के लिए, काउंटर को प्रोग्राम करने के लिए, ये सॉरी मैं असेंबली में नहीं सिखा रहा हूँ, ये तुम लोग सिर्फ सी में सीखोगे। फिर आ जाते हैं हम लोग सीरियल पोर्ट इंटरफेसिंग। अब सीरियल पोर्ट इंटरफेसिंग में क्या हो जाता है, जो अपना प्रोटोकॉल्स है जिसमें आर एक्स और टी एक्स पिन यूज करते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो प्रोटोकॉल्स तुम लोग सी के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहा हूँगा मैं, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सिखा रहा हूँगा, यूआरटी प्रोटोकॉल तुम लोग को पूरा इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिलेगा, सर्किट डायग्राम के साथ मिलेगा और सब कुछ तुम लोग को यहाँ पे मिल रहा होगा। उसके बाद से हम लोग थोड़ा इंटरप्ट देख लेंगे लोग, इंटरप्ट क्या होता है, जो ISR होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये क्या होता है, वो कैसे हम लोग 8051 को देते हैं, अगर हम लोग को कोई दूसरा इंटरप्ट जनरेट कराना हो मेन प्रोग्राम में तो हम लोग कैसे इंटरप्ट सर्विस रूटीन यहाँ पे देते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कराते हैं, क्या कर रहे होते हैं। हम लोग भी एक काम करेंगे लोग कि एक माइक्रो कंट्रोलर ले लेंगे 8051, और क्या करेंगे यहाँ पे कीपैड डाल देंगे और यहाँ पे मेन प्रोग्राम मान ले कुछ ऐसा डाल देंगे कि LCD पर माय नेम इज ये शो हो रहा हो, जैसे ही कोई कीपैड प्रेस करें तो एक इंटरप्ट जनरेट हो और यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर पे वहाँ पे वो की आ जाए, और जैसे ही तुम लोग वो प्रेस हटाओ लोग तैसे फिर से तुम्हारा नाम आ जाए। ये हो गया एक मेन प्रोग्राम में क्या है कि तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, जैसे ही तुम लोग इंटरप्ट जनरेट किए तो वो की का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, और फिर से क्या होगा कि तुम्हारा जैसे ही वो प्रेस तुम लोगों ने हटाया यहाँ पे फिर से जो मेन प्रोग्राम का नाम है वो चलने लगे। ऐसा कुछ बना लेंगे लोग अपन, नहीं तो कुछ एडवांस देखेंगे वो टाइम पे कि क्या है वो बना लेंगे लोग। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे लोग, 8051 इंटरफेसिंग टू एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब कि एक EEP रोम या कोई भी ऐसा IC लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करा के देख लेंगे कि 8051 में अगर छोटी मेमोरी है तो हम लोग कैसे कोई भी प्रोटोकॉल लगा के यहाँ पे एक बड़ी मेमोरी जिसकी साइज में थोड़ा मेमोरी ज़्यादा हो उसको कैसे यहाँ पे कनेक्ट करा सके वो देख लेंगे लोग। तो हम लोग क्या देखेंगे लोग कि 8051, अगर इसको तुम लोग को ना देखना हो तो ये तुम लोग ना भी देख सकते हो लोग, क्योंकि जब ये एक्सटर्नल मेमोरी से प्रोग्रामिंग कराने की बात आती है ना तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का जो बेसिकली 8051 होता है ना काम ज़्यादातर वही कर लेता है, इसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है तुम लोगों के लेवल पर, जो बड़ी बड़ी मशीन्स बनती हैं रूम क्लीनर एंड ऑल बनता है जहाँ पे ऑटोमेशन का पार्ट्स आ जाता है जिसमें PLC और SCADA को देना होता है अपना डेटा, तो डेटा थोड़ा स्टोर कराने के लिए ये सब TRAM यूज होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे लोग बाद में क्या होता है। फिर जब रियल वर्ल्ड ऑफ इंटरफेसिंग आता है ना तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि LCD इंटरफेस कैसे करना है वो पढ़ लेंगे, A to D कन्वर्टर कैसे यूज करते हैं वो पढ़ लेंगे, और अपना जो सेंसर है सेंसर में दो तीन सेंसर उठा लेंगे, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, DHT सेंसर हो गया, ये अपना MPU 6050 हो गया, 6050 हो गया ये पढ़ लेंगे, फिर से अपना LM35 हो गया ये पढ़ लेंगे, फिर से अपना जो डिवाइस ड्राइवर सॉरी जो मोटर ड्राइवर होते हैं वो पढ़ लेंगे लोग, जो दो तीन मोटर ड्राइवर्स उठा के देख लेंगे लोग कि कैसे इसको कनेक्शन करवाना है अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ और कैसे इस मोटर को कंट्रोल करना है 8051 के साथ। ये जब तुम यहाँ पे आओगे ना तो मैं तुम लोग को लिख के देता हूँ, ये तुम लोग को एकदम इजी लगेगा, एकदम हैंड्स ऑन तुम लोग कर सकते हो लोग यहाँ पे। फिर हम लोग क्या करेंगे लोग कि LCD और कीपैड इंटरफेसिंग पढ़ रहे होंगे लोग, जब हम लोग LCD और कीपैड इंटरफेसिंग पढ़ते हैं ना तो ये जो चीज थिंग है हम लोग को दो कीपैड यहाँ पे पढ़ रहे होंगे लोग, एक तो होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले और दूसरा हम लोग पढ़ रहे होंगे लोग LCD। 7 सेगमेंट क्यों पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग को जो LCD होता है ना LCD का बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मतलब सॉरी जो डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले का बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि
कैसे क्या होता है। हम लोग जब एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले में उसके एक एक एलईडी को, मतलब एक एक बिट को, जब हम 8 बिट भेजते हैं एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, तो कौन सा एलईडी ग्लो होता है, कौन सा ग्लो नहीं होता, वो सारा कुछ हम लोग जब 7 सेगमेंट डिस्प्ले में पढ़ लेंगे ना, तो एलसीडी का इंटरफेसिंग मतलब थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, उतना भी नहीं होगा, लेकिन एलसीडी का इंटरफेसिंग एटलीस्ट तुम लोग समझ रहे होगे लोग कि कैसे इंटरफेस करना है, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद से लास्ट चैप्टर ये देखेंगे कि ये क्या है, जो 8051 का 8255 जो एक और माइक्रो कंट्रोलर है उसके साथ इंटरफेस करा के देख लेंगे, सिंपल सा खत्म बात। ये हो गया जो 8051 का सिलेबस मेरा जो डिज़ाइन हुआ है, जो 8051 का सिलेबस डिज़ाइन हुआ है, ये डिज़ाइन इतना है तुम लोगों को पढ़ने के लिए, एटलीस्ट तुम लोगों को टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा इसमें क्योंकि मेरी जो सिलेबस की इंट्रोडक्शन ही है वो ही चल जाएगी 30 मिनट में, तो सोचो कि मैं तुम लोग को सिलेबस में जो कोर्स पढ़ा रहूँगा वो कितनी बड़ी होगी। अब बड़ी होने से डरना नहीं है, नहीं तो जाके 8 आवर्स का कोई भी वीडियो देख लो लोग, जहाँ पे तुम लोग को 8051 किसी ने एक्सप्लेन किया हो, लेकिन वो लेवल पे नहीं करेगा जिस लेवल पे मैं करूँगा। और अगर तुम लोग को इससे अच्छा देख, और अगर ये सब तुम लोग को सीखना है और एम्बेडेड फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो लोग, तो फॉलो कर लेना लोग। और फॉलो करने के साथ साथ अभी तक यहाँ तक अगर तुम लोग आ चुके हो लोग, देख थैंक्स ले लो लोग, और जब थैंक्स ले लिए हो लोग देख स्माइली भी ले लो लोग, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ये जो 8051 का सीरीज है उसके अगले टॉपिक के साथ। Oh,